विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सोमवार से शिव नवरात्रि का उत्सव आरंभ हुआ। देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां 9 दिनों तक शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, इसे शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। प्रथम दिन बाबा को हल्दी चंदन का उपटन लगाया गया और सुगंधित द्रव्यों से स्नान के बाद नवीन वस्त्र धारण कराए गए। आज से बाबा महाकाल के विवाह की रस्में शुरू हो गई है, जिसमे बाबा का भांग और सूखे मेवे का श्रृंगार किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आज से शिव नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है। बाबा महाकाल का आज सुबह 11 पंडितों के द्वारा सबसे पहले अभिषेक किया गया, जिसके बाद दोपहर में बाबा महाकाल को चंदन हल्दी सुगंधित उपटन लगाया गया और इसके बाद सूखे मेवे और भांग का आकर्षक श्रृंगार कर बाबा महाकाल को दूल्हा बनाया गया। साथ ही भगवान महाकाल को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट आदि से श्रृंगारित किया गया। महाकाल मंदिर के आशीष शर्मा पुजारी ने बताया कि सुबह कोटेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। महाकाल मंदिर में हर त्योहार की शुरुआत कोटेश्वर महादेव के पूजन से की जाती है, जिसके बाद 11 पंडितों ने गर्भगृह में रुद्र अभिषेक किया और यह अभिषेक प्रतिदिन सुबह 3 घंटे होगा। शिव नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक भगवान शिव की यहाँ पे विशेष आराधना की जाएगी, पूजन की जाएगी, नाना प्रकार के फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। सायंकाल भगवान निराकार से साकार रूप धारण करेंगे और नित्य भगवान के नए श्रृंगार किए जाएंगे। आज भगवान निराकार से साकार रूप में भगवान ने आज वस्त्र धारण करे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा स्थान है भगवान शिव की, यहाँ पर नवरात्रि बनती है। 9 दिन तक उपास तपस्या योग का दिन होते हैं। भक्त लोग आते हैं बाबा महाकाल के दरबार में और पूजन पाठ कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि बनती है। जय महाकाल। शिव नवरात्रि के प्रथम दिन बाबा नवकार रूप से निराकार रूप में आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं बाबा महाकाल के इस रूप को देखकर श्रद्धालु भी अभिभूत हुए। इंदौर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बाबा महाकाल के दर्शन हुए हैं। आज का अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल का देखा गया है। बाबा का अनोखा रूप देखकर मन खुश हो गया है। बाबा महाकाल से मनोकामनाएं मांगी गई हैं। हम लोग दर्शन करने आए पूरी फैमिली के साथ में। आज जैसे कि महाकाल बाबा को हल्दी लगी है क्योंकि थोड़े ही दिन में शिवरात्रि आने वाली है, तो आज हल्दी से शुरुआत की गई है। पूरे विश्व में सारे ही पूरे इंडिया में सारे मंदिरों में से सिर्फ यह पर्व यहाँ पे मनाया जाता है, इसलिए आज हम खास तौर पे बाबा के वो दर्शन करने आए हैं क्योंकि हल्दी से ही हर अच्छे काम की शुरुआत होती है, खासकर ब्याह शादी ब्याह की। तो हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं इंदौर में ही रहती हूँ 20 सालों से, लेकिन कई बार होता है हम लोग साल में एक ही बार महाकाल बाबा के यहाँ आ पाते हैं, लेकिन इनका साज श्रृंगार जैसा होता है वैसा मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा है। और भी महाकाल बाबा के मंदिर पर यहाँ उज्जैन की खूबसूरती है, बाबा का साज श्रृंगार भस्म आरती और भंग से जो उनका श्रृंगार होता है जो मैंने बचपन से आज तक देखा है, तो उज्जैन जैसी जगह से एक अलग ही कनेक्शन है। और जब तक यहाँ पे हमारे दर्शन नहीं होते हमें लगता नहीं हमारे कहीं महाकाल बाबा के दर्शन होते। बता दें कि ये क्रम नवरात्रि के 9 दिन तक चलेगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।